आज भादुआ कृष्ण एकादशी गुरुवार 29 अगस्त 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा हल्की बारिश हो रही है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह नाथद्वारा में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में नवनीत प्रिया जी का मंदिर है, जहाँ हम नित्य लाड़ीले लाल के दर्शन करते हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी को नंद महोत्सव के दिवस यहाँ से स्थानांतरित किया गया है, अतः अब श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन श्री महाप्रभु जी की बैठक के अंदर स्थित श्री नवनीत प्रिया जी के बगीचे में नवनिर्मित मंदिर में होंगे। श्री जी मंदिर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु नवनिर्माण किया जा रहा है। श्री नवनीत प्रिया जी का वर्तमान मंदिर पुनः नवनिर्मित होकर सुदृढ़ होगा, तब तक श्री प्रिया जी के ही बगीचे में बने नवनिर्मित मंदिर में होते रहेंगे, जो श्री महाप्रभु जी की बैठक के पास स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज अजा एकादशी है। कृष्णाश्रय में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी 7वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अजा मिलादि दोषाणाम नाश कोनु भवे स्थितः ज्ञापिता खिल महात्म्य कृष्ण एव गतिर्मम। अर्थात आपका नाम अजामिल आदि के दोषों का नाश करने वाला है, ऐसा सबने सुना है। आपके ऐसे संपूर्ण महात्म्य को जानने के बाद केवल आप श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय हैं। हम सभी सनातनी यह जानते हैं कि अजामिल जो दोषों से भरा हुआ जीव था, उसका किस प्रकार अंतिम समय में केवल प्रभु का नाम लेने मात्र से उद्धार हो गया था। कलयुग में प्रभु नाम ही सबसे बड़ा आधार है, इसी भावना की यह एकादशी है। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण शरणम मम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। हालांकि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इस एकादशी की भावना से कुछ विशेष नहीं होता है, परंतु श्री आचार्य चरण की यह आज्ञा और प्रभु नाम ही सबसे बड़ा है। कल वत्स द्वादशी है। इसकी भावना प्रभु में सेवा क्रम और प्रभु के संक्षिप्त दर्शन हम आज के दर्शन के उपरांत करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से आगामी अमावस्या तक बाल भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसी भाव से प्रभु को आज नियम के बाल भाव के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सिखवाता चलना यशोदा
हर बराए। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ, नूपुर, पेंजनिया और बिछिया धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है, वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज नंद भवन के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें बधाई देने एवं दर्शन करने को आए ब्रज भक्तों की भीड़ एवं दूसरी ओर छठी पूजन और लालन को पलना झुलाते नंद बाबा और यशोदा जी के सुंदर चित्रांकन किए हुए हैं। खंड पाठ पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट है तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करें। आज लाल रंग की मलमल का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछोड़ा, जो छठी उत्सव के दिवस भी धराया जाता है, प्रभु को आज अंगीकार करवाया गया है। इसके साथ केसरी रंग का रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित गाती का पटका प्रभु को धराया गया है। यह पटका जन्माष्टमी के दिवस पर भी प्रभु को धराया जाता है। प्रभु की पीठी का जी पर आज ठाड़े वस्त्र सुआ पंखी हरे रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से हालरा, बघनखा और हमेल भी धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को लाल रंग की मलमल की रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज पन्ना की गोटी धराई गई है, जिसके साथ रूपहरी लोम की किलंगी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध की हुई एक लोम भी धराई है। बाई ओर शिशुफूल तो धराए ही गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली
दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित लाल मीना की वेणु जी धराई गई हैं। आज प्रभु की कटी पर एक वेत्र जी ही धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण में जड़ित लाल मीना से सिद्ध किए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई है, जिस पर सुंदर कलात्मक कार्य किया हुआ है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उसका अवलोकन करें तो मंगला में बल बल चरित्र गोकुल राय, श्रृंगार में जा दिन कन्हैया मोसो कहे गो, राजभोग में जब मेरो मोहन चले गो घुटरन, आरती में चलो मेरे लाड़िले हो, शयन में आछी नीकी सोहत हसन, और पोड़वे के पदों में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब बाल भाव के कीर्तन नित्य हो रहे हैं। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तामूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। आइए अब कुछ विशेषताओं के दर्शन करते हैं। ऋतु परिवर्तन हो गया है, अतः जन्माष्टमी के उपरांत आज से पुनः सभी साज पर सफेदी चढ़ जाती है। टेरा, चोरसा आदि भी नित्य के आ जाते हैं। इसके साथ ही अमावस्या तक प्रभु को बाल लीला के पद सुनाए जाते हैं। प्रभु के साज में भी परिवर्तन हो गए हैं, जिनमें से अत्तरदानियाँ, गुलाबदानी और चांदी के पड़घाजी सहित माटी के कुंजा भी अब नहीं पधराए जाते हैं। वस्त्रों में भी परिवर्तन होंगे। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है, जो पूर्णतः प्रकृति के अनुकूल है और वैज्ञानिक आधारों पर है, जिसमें होने वाले परिवर्तन इसे स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब भादवा कृष्ण पक्ष द्वादशी शुक्रवार 30 अगस्त 2024 अर्थात वत्स द्वादशी की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं, ताकि आप समय पर प्रभु की सेवा में पहुंच सकें और लाड़ लड़ा सकें। वत्स द्वादशी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति की प्राकृतिक वैज्ञानिकता के साथ अद्भुत जीवन शैली के दर्शन हमें नित्य नवीन रूपों में होते हैं, जिस पर हमें निसंकोच गर्व करना चाहिए। उसमें भी श्री जी की सेवा प्रणाली का तो सर्वश्रेष्ठ है। वत्स द्वादशी को ही देखिए,
श्री जी में इसकी भाव भावना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण 2.5 वर्ष के होने पर गौचारण की जिद करने लगे। तब आज के दिन ही यशोदा जी ने गाय और बछड़े का पूजन कर शगुन के रूप में उनको वन में बछड़े चराने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस कारण से आज का दिवस वत्स द्वादशी कहलाता है। यद्यपि श्री कृष्ण ने गौचारण गोपाष्टमी के दिन से प्रारंभ किया था। हमारे प्रभु का तो पहला नाम ही गोपाल है। कितना अद्भुत दर्शन है। बालपन से ही अपने परिवेश के अनुसार व्यावहारिक जीवन के मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का संस्कार रोपण। यहाँ उल्लेखनीय है कि हमारा मुख्य व्यवसाय पुरातन काल में ही पशुपालन रहा है और अब हमारे संस्कार भी देख लीजिए कि इसी भावना से राजस्थान एवं रस सहित उत्तर भारत के अधिकतर भागों में आज माताएँ बछड़े सहित गाय का पूजन करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु हेतु व्रत रखती हैं। यहाँ तक कि आज गाय के दूध का केवल गाय के बच्चों को ही सेवन करवाया जाता है और तो और आज चाकू से काटी सब्जियाँ भी नहीं खाई जाती हैं। यहाँ तक कि गेहूं के आटे का उपयोग भी नहीं किया जाता है, अतः मक्की अथवा बाजरे की रोटी खाई जाती है। मूंग चावल, अनारदाना की कड़ी, चना चावल मुख्य रूप से खाए जाते हैं। प्रातः सभी महिलाएं अपने पुत्रों के साथ सुंदर लाल पीले वस्त्र धारण कर अपने अपने मोहल्ले में, जहां किसी गाय ने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, उस घर या गौशाला जाकर गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह प्रेरणा प्रभु श्री जी में विशिष्ट पिछवाई के माध्यम से सभी को दी जाती है। पुत्र को भी बाल भाव से तिलक किया जाता है। क्या कहीं और ऐसा हमें देखने को मिलता है? कहीं कहीं तो गाय के गोबर की भी चांदी के सिक्के से पूजा की जाती है। गाय और बछड़े को अंकुरित मूंग चने, बाजरे के लड्डू और नारियल भोग के रूप में खिलाए जाते हैं और अपने परिवारजनों को नारियल का प्रसाद दिया जाता है। अपने बच्चों को यह अवश्य बताएं कि हम किस संस्कृति के संवाहक हैं। केवल मानव रूप में ही मात्र एवं पुत्र के ममतामय दिवस का यह अवसर नहीं है, बल्कि गौ माता एवं बछड़ों के रूप में प्रत्येक जीव के प्रति भी यह भावना समर्पित है। आज के इस युग में क्या किसी और संस्कृति में आप इस तरह की भावना की कल्पना कर सकते हैं? यह हमारी दुर्लभ धरोहर है, इसे आगे अवश्य बढ़ाएं। अब प्रभु श्री जी में वत्स द्वादशी की सेवा भावना के दर्शन भी कर लेते हैं। वत्स द्वादशी के श्रृंगार के तहत श्री जी की साज सेवा में आज नंद भवन की तिवारी में बछड़े सहित गाय का तिलक कर पूजन करती श्री यशोदा मैया, रोहिणी मैया तथा दूसरी ओर गायों के साथ ग्वाल बालों के सुंदर चित्रांकन से सुशोभित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के तहत श्री जी को आज लाल रंग की चौफुली चूंदड़ी के रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सुथन एवं गोल कांचनी, जिसे मोर कांचनी भी कहते हैं, धराई जाती है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आवरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आवरण हीरा के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर हीरा की टोपी फूंदना वाली और तिलक किया जाता है। वहीं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं एवं स्वरूप की बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, अनुपूर्व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट लाल व गोटी मोर की आती है। श्री जी को आज आरसी कांच के कलात्मक काम वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में माधोजू तनक सो बदन, राजभोग में मेरे गोपाल लड़ाए वो, आरती में मेरे छगन मगन खेलो आंगन और शयन में मांगेरी मोपे चंद खिलोना कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। Oh,
सिखवत चलना यशो सतन रैया।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।